सो डियर स्टूडेंट्स, आज दे टॉपिक दे विच असी डिस्कस करांगे अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो एज यू ऑल नो, मार्केट दे विच सब तो इंपोर्टेंट फैक्टर कौन है? दैट इज़ कस्टमर ओनली। सो CRM जो है ओनू मैनेजमेंट यूज करती है ताकि कस्टमर दा जिहड़ा असी ट्रस्ट आ उस कंपनी ते उहदे प्रोडक्ट ते एंड क्वालिटी ते बनिया रहे। हुण अज असी मार्केट दी जे गल करिए, नंबर ऑफ कॉपीड प्रोडक्ट्स मिल जांदे ने, पर क्वालिटी वाइज वारंटी वाइज अगर देखा जावे तां सानूं ओह कमिटमेंट देखण नूं नहीं मिलदी जो एक ब्रांडेड एक अच्छी ऑर्गनाइजेशन दा प्रोडक्ट जिहड़ा आ प्रोवाइड करदा है। अगर ब्रांडेड शॉप ते असी क्लोथ्स खरीदन जांदे हां, फॉर एग्जाम्पल अगर गल करिए तां ब्रांडेड शॉप दे अगर असी कपड़े खरीदन जाते हाँ तो साडा मेन फोकस हुंदा है कि जिहड़ा कपड़ा आ, ईवन शर्ट है या ट्राउजर है, उहदी जिहड़ी लुक है वो अच्छी होवे, वो सानू कंफर्टेबल होवे। बाकी क्वालिटी वाइज सानू एक अश्योरिटी हुंदी है वी हाँ असी एक ब्रांडेड शॉप दे विच जा रहे हैं तो क्वालिटी वाइज कंपनी किसी भी एंगल तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बट अगर उही असी किसी नॉर्मल शॉप ते जांदे आ, साडा मेन प्राइम फोकस हुंदा है कि असी सब तो पहला उस स्टफ नूं चैक करिए कि तो डिफेक्टिव ना होवे, बिकॉज इहदे चांसेस ज़्यादा हुंदे ने। सो एक ही है एक ट्रस्ट बनिया होया एक ब्रांड दा अपने कस्टमर दे उपर कि क्वालिटी है जिहड़ी क्वालिटी वाइज वो कदी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करदे। हुण गल करदे आ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिहड़ा आ अज दे टाइम दा नहीं, पिछले 20 सालों तो काफ़ी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है हर एक ऑर्गनाइजेशन दे लई। सो CRM बेसिकली करदा की है, ऑर्गनाइजेशन दे अपनी कस्टमर दे नाल, मतलब ऑर्गनाइजेशन दी अपने ही कस्टमर दे नाल इंटरैक्शन नू फैसिलिटेट करदा है थ्रू मीडिया चैनल्स जिदा कि टेलीफोन, ईमेल या फिर फेस टू फेस इंटरैक्शन। सो जिहड़ी इंटरैक्शन नू फैसिलिटेट किया जाता है उहदे नाल की हुंदा आ जिहड़ी एफिशिएंसी है ऑर्गनाइजेशन दी उहदी इनक्रीज होने चांसिस भी वध जांदे ने। फॉर एग्जाम्पल अगर असी गल करिए, एक ओनर है शॉप दा, वो अपने कस्टमर्स नू परसनली जानता है बाय इंटरैक्टिंग विद दैमसेल्व, एंड ओनू नीड्स बारे भी पता है कि किहड़ा कस्टमर किहड़ी चीज़ डिमांड करता है, एंड ओनू ये भी पता है कि किहड़ा प्रोडक्ट किस कस्टमर नू ऑफर करना है। सो ये एक बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल ते असी कह सकते हैं कि जिहड़ी CRM है वो किदा वर्क करती है। CRM दे विच जिहड़ा कस्टमर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट विजिटर है अपने प्रमाइसिस दे विच, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, जिहड़ा कस्टमर है साडे ते डिपेंडेंट नहीं है, असी कस्टमर दे उपर डिपेंडेंट हाँ, एंड ही इज़ एन इंटरप्शन इन अवर वर्क। He is the purpose of it. ਕਿਹਦਾ purpose ਹੈ? Organization ਦਾ purpose ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ customer ਨੂੰ satisfy ਕਰਨਾ। He is not an outsider to our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. ਅਸੀਂ ਕੋਈ favor ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ customer ਨੂੰ serve ਕਰਕੇ। He is doing us a favor by giving an opportunity to do so. So ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ opportunity ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ favor ਕਰਕੇ कि असी उनू बैटर सर्व कर सकीए। नैक्सट असी गल करते हैं जी मीनिंग ऑफ CRM। सो CRM का बेसिक मीनिंग की है? मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज कस्टमर फोकस्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी। इट इज डिजाइंड टू ऑप्टिमाइज रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी। नैक्सट असी गल करते हैं जी फेसिज ऑफ CRM। सो CRM तीन फेसिज दे विच काम करता है। सब तो पहला फेस है एक्वायर। सो CRM की करती है बिजनेस नू हेल्प करती है टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स थ्रू सेलिंग द कॉन्टैक्ट एंड फुलफिलमेंट। नैक्सट इज एनहेंस। सो एनहेंस दे विच जिहड़ी CRM है वो की करती है सो एनहेंस दे विच CRM दे जिहड़े टूल ने वो ऑफर करदे ने कस्टमर सर्विस थ्रू अ टीम ऑफ सेल्स एंड सर्विस स्पैशलिस्ट। सो वो की करदे ने कन्विंस करदे ने कस्टमर्स नू फॉर डूइंग शॉपिंग विद देयर कंपनी। उस तो बाद आंदा जी रिटेन।
रिटेन का मतलब है सीआरएम का जो सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस इनेबल करता है बिजनेस नू टू आइडेंटिफाई दी लॉयल कस्टमर्स एंड उन्होंने रिवॉर्ड देना ता कि वो जड़े आ कंपनी दे कस्टमर्स बने रहन, फ्यूचर दे विच भी जड़ा प्रोडक्ट खरीदन उस कंपनी दा ही खरीदन। नेक्स्ट असी गल करते हैं जी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम। सीआरएम दे बेसिकली चार मेन ऑब्जेक्टिव ने। पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग इन कस्टमर सर्विस क्वालिटी। ये सब तो इंपॉर्टेंट गोल है सीआरएम दा। कस्टमर दे नाल रिलेशनशिप ने जड़े वो असेंशियल होंगे ने टू इंश्योर दी सक्सेस फॉर दिस टास्क। उस तो बाद आता जी इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जड़ी है इंक्रीज करना क्यों जरूरी है इन ऑर्डर टू बूस्ट दी सक्सेस रेट। ये किदा अचीव करती है सीआरएम थ्रू कॉस्ट रिडक्शन एंड कस्टमर रिटेंशन। उस तो बाद आता जी लोअरिंग दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट नू रिड्यूस करना भी एक ऑब्जेक्टिव है सीआरएम दा। वो किदा अचीव करती है बाय मैक्सीमाइजिंग दी स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड कॉस्ट नू रिड्यूस करके। सो कॉस्ट रिडक्शन दे नाल ऑर्गेनाइजेशन दी जड़ी एफिशिएंसी है वो अल्टीमेटली वध जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट लास्ट इज एडिंग दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे विच जिदा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर्स नू कि इन्ने जड़े प्रोडक्ट्स ने वो सेल हो चुके ने। सो इन्नी ज़्यादा जी सेल्स आ बूस्ट हो रही है। ये नाल की होंगे एक इनफॉर्मेशन दे नाल कस्टमर दे माइंड दे विच एक इमेज क्रिएट होंगी है कि इन्नी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा ही होएगा। सो ये नाल की होंगे मार्केटिंग जी होर ज़्यादा इंक्रीज होंगी है कस्टमर की। नेक्स्ट इज नीड ऑफ सीआरएम। सीआरएम की सानू क्यों लोड़ पई फॉर इंक्रीजिंग दी सेल। सेल्स आ जी यूनिफॉर्म सी वध नहीं रही सी, इमीडिएट बूस्ट नहीं मिल रहा सी। सो उन्होंने इंक्रीज करने के लिए सीआरएम जड़ा आ वो इंट्रोड्यूस किया गया। उस तो बाद फॉर लोअरिंग दी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग दी कॉस्ट इन्नी ज़्यादा सी कि सीआरएम नू इंट्रोड्यूस करना पाया एंड ओदे टूल्स दे नाल जड़ी मार्केटिंग दी कॉस्ट है उन्होंने भी घटाया गया। इंक्रीजिंग प्रॉफिट फॉर इंप्रूविंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड नैक्सट एंड लास्ट इज ग्रोथ फॉर कंपनीज। सो इन चीज़ों सीआरएम है वो जी लोड़ पैंती ही पैंती है। उस तो नैक्सट जिहड़ा टॉपिक असी स्टडी करन जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर्स ने जिहड़े वो बेसिकली पांच तरह के होंगे ने। फस्ट इज लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर्स ऑलमोस्ट 20% होंगे ने बट ये की करते हैं 50% सेल्स नू प्रमोट करते हैं एज कंपेयर टू अदर कस्टमर्स। ये कस्टमर्स कंप्लीटली सैटिस्फाइड होंगे ने। सो कंपनी लई जरूरी होंगे है कि इन्हों कस्टमर्स के नाल इन टच रहे। उस तो बाद आते हैं डिस्काउंटेड कस्टमर्स। ये होंगे ने विजिटर्स। ये प्रोडक्ट सिर्फ उदों खरीदते हैं जदों सैलर डिस्काउंट ऑफर करता है एंड सिर्फ लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स दे विच ही ये डील करते हैं। उस तो बाद अगला आता है जी इंपल्सिव कस्टमर्स। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे, इन्हों कन्विंस करना डिफिकल्ट होंगे है कि इन्हों की जी आइटम लिस्ट आ जिदा आप विश लिस्ट कह लिए, विश लिस्ट के विच कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होंगे कि असी ये चीज़ बाय करनी है। उस टाइम पर जो इन्हों वधिया लगे एंड जो इन्हों प्रोडक्टिव लगे सिर्फ उही चीज़ ये बाय करते हैं। उस तो बाद आता है जी नीड बेस्ड कस्टमर्स। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होंगे ने, ये सोच के आते हैं घरों कि असी यही प्रोडक्ट लेना है। सो इन्हों बहुत पोलाइटली हैंडल करना पैंदा है एंड ये लॉयल कस्टमर्स भी बन सकते हैं किसी भी कंपनी दे। उस तो बाद आता जी वेंडरिंग कस्टमर्स। ये सब तो लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स होंगे ने, वो खुद श्योर नहीं होंगे कि असी बाय की करना है। वैन दे एंटर दी शॉप, मतलब जदों किसी शॉप दे विच एंटर करते हैं तो इन्हों कस्टमर्स नू प्रॉपरली दसना पैंदा है अबाउट पॉजिटिव फीचर्स ऑफ दी प्रोडक्ट दे इनक्वायर ता कि वो प्रोडक्ट नू खरीदन बारे वो कस्टमर्स सोच सकन। सो ये सी साडे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। इस तो बाद असी गल करांगे कस्टमर दी सैटिस्फैक्शन दी, भी जिहड़ी कस्टमर दी सैटिस्फैक्शन है उहदे नाल की बेनीफिट मिलता है कंपनी नू। सब तो पहला बेनीफिट मिलता है 5% इनक्रीज इन लॉयल्टी जी इंक्रीज कर दी है प्रॉफिट बाय 25 to 85%। सो कस्टमर नू जे तुसी सैटिस्फाइड रखोगे तो तुहाडे जिहड़े प्रॉफिट मार्जिन है अल्टीमेटली वधनगे ही वधनगे।
ए वेरी सैटिस्फाइड कस्टमर इज नियरली 6 times मोर लोयल दैन ए कस्टमर हु इज जस्ट सैटिस्फाइड। जे तुसी कस्टमर नू प्रॉपरली सैटिस्फाइड करके भेजोगे वो 6 गुना ज़्यादा किसी लोयल होएगा किसी सैटिस्फाइड कस्टमर तो। ओनली 4% ऑफ डिससैटिस्फाइड कस्टमर विल कंप्लेन, मतलब सिर्फ 4% जो कस्टमर ने जो डिससैटिस्फाइड ने उ कंप्लेन करेंगे, अदरवाइज बाकी कंप्लेन नहीं करते। The customer with a problem tells 9 other people. एक कस्टमर नू जो प्रॉब्लम आएगी बाकी लोगों भी दसेगा भी मैंने आ प्रॉब्लम फेस करनी पई सी एंड तुसी उस जगह ना जायो। सैटिस्फाइड कस्टमर टैल्स 5 other people अबाउट गुड ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय हिम। हुण जे तुसी किसी अच्छी कंपनी दे सर्विस सेंटर च जाओगे वो तुहानू अच्छी तरह ट्रीट करनगे। तुसी बाहर जाके भी दसोगे लोगों नू कि मैनू उत्थे जिहड़ी सर्विस है बड़ी अच्छी रिसीव हुई, तो ईवन तुहाडे ऑटोमोबाइल दी प्लस तुसी उत्थे रेस्ट रूम दे विच जिथे रेस्ट कीती उत्थे भी तुहानू अच्छी तरह ट्रीट कीता गया। सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने कस्टमर सैटिस्फैक्शन जिहड़ी वह बहुत जरूरी हुंदी है किसी भी कंपनी दे लई। ये नहीं है कि असी एक प्रोडक्ट बना दिता कस्टमर सर्विस करवाण लई आवे ते असी उहनू अच्छी तरह रिसीव ना करिए एंड उहनू मिसट्रीट करिए। सो ये चीज़ां बहुत जरूरी ने। नैक्सट इज मेकिंग गुड कस्टमर रिलेशनस, आपां किसी कस्टमर दे नाल अच्छे रिलेशनस किद्दां बनाईए। बी पोलाइट एंड रिस्पैक्टफुल टू एवरीवन, हर किसी नाल रिस्पैक्टफुल रह के। नैवर फाइट विद कस्टमरस, कस्टमर अगर तुहाडे नाल फाइट करदा है तुसीं अगे उहदी कदी भी उहदे नाल फाइट नहीं करनी। गिव गुड सर्विस एट ऑल टाइम्स, हर वक्त हर टाइम पर उहनां नूं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो। मेक बाइंग प्रोसैस एज ईजी एज पॉसीबल, जदों कोई कस्टमर किसी शॉपिंग मॉल से जाता है कई बार उन्होंने बाइंग प्रोसैस बहुत हैप्टिक जहा लगता है, सो उस चीज़ में ईजी बनाओगे तो जोड़ा कस्टमर के नाल तुहाडा रिलेशन होर अच्छा बन जाएगा। आंसर दी कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर जो चीज़ तुहानू पुछदा है उन्होंने आंसर करो, इग्नोर ना करो। कस्टमरस आर यूअर बिजनेस, सो कस्टमर ही तुहाडा बिजनेस ने। तुसी कोई चीज़ बेचोगे ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਫੋਰ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਲੋਂਗ ਕਸਟਮਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਲੋਂਗ ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। लाइफ लोंग कस्टमर की करते हैं, एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी एंटरप्राइज के, हर किसी ऑर्गनाइजेशन दे विच। बट जो लाइफ लोंग कस्टमरस ने उन्होंने रिटेन करना मेनटेन करना बहुत मुश्किल मुश्किल है। एक हैप्पी कस्टमर आ जोड़ा वो जनरेट करता है 20 गुना ज़्यादा बिजनेस थ्रू रेफरेंस दैन एडवरटाइजिंग। असी एडवरटाइजिंग जरूर करते हैं अपने प्रोडक्ट की, बट एक जड़ा हैप्पी कस्टमर है वह 20 गुना ज़्यादा तुहाडे प्रोडक्ट नू प्रमोट करेगा एज कंपेयर टू एडवरटाइजिंग। सो ये स्टूडेंट्स तुहाडा अज दा टॉपिक जिहदे विच असी स्टडी किया अबाउट कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। सो अपने नैक्सट टॉपिक दे विच असी डिस्कस करांगे अबाउट साइबर सिक्योरिटी। सो थैंक यू।